आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड एक बहुत पॉपुलर पेमेंट ऑप्शन है, और अगर मैं बात करूं कैशबैक ऑफर या रिवॉर्ड में तो सबसे ज़्यादा जो है क्रेडिट कार्ड से ही मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो लोगों को जो ठगी का जो मामला है वो दिन ब दिन जो दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस मामले में मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा जो कि बजाज फाइनेंस का वेबसाइट से मिला, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप डिटेल्स में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिससे हम अपना क्रेडिट कार्ड को जो है फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्रॉड किस किस टाइप का हो सकता है क्रेडिट कार्ड यूजर के साथ। दोस्तों इस सारे फ्रॉड से आपके क्रेडिट कार्ड को बचाने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है, और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको आगे फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रॉड जो होता है कितने टाइप का होता है। फ्रॉड करने का सबसे पहला जो ऑप्शन होता है उसको बोला जाता है फिशिंग। इसमें होता क्या है, आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें बोला जाता है कि हाँ अपना KYC कराइए, तो इस लिंक में क्लिक करिए जिससे आपका कार्ड बंद ना हो, या फिर अगर KYC नहीं कराते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसे बोल के आपके पास एक SMS आता है जो कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल के लिए। ऐसा आता है, यहाँ पे जो लिंक दिया जाता है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है। जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गए, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर हो गया, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, आपका नाम, जन्म तिथि, ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके आपका कार्ड का जो है मिसयूज करते या फिर फ्रॉड करने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों दूसरा जो तरीका होता है वो होता है दोस्तों कि आपका जो भी कार्ड है उसका फिजिकली जो है चोरी कर लेना। अगर आप कहीं भी कार्ड रखते हो, भूल जाते हो, या फिर ठीक से आप कार्ड को नहीं रखते हो, तो क्या होता है आपका कार्ड को जो है फिजिकली चोरी कर लिया जाता है, जिससे आपका कार्ड का जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हो गया CVV नंबर, कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर या फिर एक्सपायरी डेट मंथ, ये सारा जो है चोरी हो सकता है, जिसके चलते आपके कार्ड के साथ जो है कोई भी फ्रॉडलैंड एक्टिविटी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको बोला जाता है दोस्तों मैलवेयर अटैक। इसमें होता क्या है कि आपके फोन पे कुछ फ्रॉड एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है, या फिर कुछ स्क्रिप्ट जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है, जिसके चलते जो भी हैकर होता है वो आपका फोन का सारा इन्फॉर्मेशन जो ट्रैक करता है। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो, आपका जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप डालते हो, जैसे हो गया CVV नंबर, क्रेडिट कार्ड का नंबर, OTP, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो जो हैकर है वो दूसरे कंप्यूटर में बैठ के आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो ट्रैक करता है, और सारा इन्फॉर्मेशन चोरी करके आपके कार्ड का जो है मिसयूज कर सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, ये होता है दोस्तों कि आपका आइडेंटिटी जो है चोरी कर लेना। क्या होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आपका आइडेंटिटी रहता है, एग्जांपल के लिए आपका वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर IT फाइल हो गया, या सारे इन्फॉर्मेशन का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है फिजिकल कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी, इसको सही से नहीं रखते हो संभाल के, तो हो सकता है आपका जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकता है, और जिसके चलते ये जो फ्रॉडस्टर लोग होता है ये क्या करते हैं, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होता है इसको लेके नया कार्ड अप्लाई कर देते हैं, और फिर उस कार्ड से मिसयूज करके आपके नाम से जो है बिल आ जाता है। मतलब आपने कार्ड लिया ही नहीं लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कार्ड लिया जाता है, और फिर जो है आपको भारी भरकम जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो तरीका अपनाते हैं फ्रॉडस्टर लोग वो होते हैं दोस्तों स्क्रीमिंग। इसमें होता क्या है, जो भी ATM मशीन होता है या फिर जो पॉश में स्वाइप मशीन रहता है उसमें एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको स्क्रीमिंग मशीन बोला जाता है। इसमें होता क्या है, जब भी आप कोई कार्ड स्वाइप करते हो तो आपका सारा कार्ड का डिटेल्स जो है उस मशीन के द्वारा जो है ट्रैक हो जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है। और दोस्तों बाद में क्या होता है, आपका जो भी कार्ड का डिटेल्स है इसको लेके आपका कार्ड के साथ जो है फ्रॉड हो सकता है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो सारे फ्रॉड एक्टिविटी होता है इससे बचने के हमको क्या क्या उपाय या फिर क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा, आपका कार्ड का जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हो गया आपका कार्ड का नंबर या फिर CVV नंबर या फिर OTP नंबर, ऐसा कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर मत करिए। और हमेशा दोस्तों कोशिश करिए कि आप जो है कोई सिक्योर वेबसाइट पे विजिट करिए, अनवांटेड अनऑथराइज साइट पे विजिट ना करें। तो नेक्स्ट जो करना है आपको कि आपका जो भी डिवाइस है, जो भी मोबाइल है या फिर लैपटॉप है जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है
ओरिजिनल वाला जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, जिससे कि जो भी मैलवेयर अटैक होता है उससे आपका डिवाइस को जो है सुरक्षित रख सकते हो, या फिर जो भी फ्रॉड या फिर स्कैम होता है उससे आप जो है अपने फोन को या फिर आपका लैपटॉप को दूर रख सकते हो। इस बारे में जरूर जो है आप ध्यान रखिए। दोस्तों नेक्स्ट जो करना है आपका, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है उसमें एक ट्रांजेक्शन लिमिट या फिर ट्रांजेक्शन अलर्ट का जो है सेटिंग कर दीजिए। मतलब जब भी आपके कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन होता है तो आपके पास अलर्ट आएगा, या फिर एक सर्टन लिमिट के बाद आपका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब उसमें लिमिट सेट कर दीजिए, जो कि बहुत आसानी से आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी एप्लीकेशन है उससे आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो ध्यान रखना है कि कोई भी अनऑथराइज या फिर सस्पिशियस जो भी लिंक आपके मोबाइल पे थ्रू मैसेज या फिर थ्रू ईमेल आता है उसमें आपको क्लिक नहीं करना है, जिससे आप जो है इस तरीके से फ्रॉड से बच सकते हो। दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पॉस में आपका कार्ड स्वाइप कर रहे हो या फिर एटीएम से पैसा निकाल रहे हो या फिर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो देखिए वहां पे कोई अनऑथराइज्ड डिवाइस या ट्रैकिंग मशीन तो नहीं लगाएगा जिससे आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको हो सकता है आने वाला टाइम पे जो फ्रॉड एक्टिविटी होता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो ना हो। अब दोस्तों सवाल ये आता है, मान के चलिए आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो इस सिनारियों में आपको आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक नंबर दिखा रहा हूँ जो कि है साइबर क्राइम का नंबर है। इस नंबर पे आप जो है कॉल करके आपका जो भी फ्रॉड इशू हुआ है उसका जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे साइबर क्राइम का विभाग का जो वेबसाइट का लिंक भी दिखा रहा हूँ, इस लिंक पे जाके अपना कंप्लेन जो है रजिस्टर कर सकते हो। इस लिंक का जो डिटेल्स है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों ये दो तरीका है, अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड एक्टिविटी हुआ है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो चुका है तो ये दोनों तरीके से जो है आप अपना कंप्लेन जो है दर्ज कर सकते हो साइबर क्राइम पोर्टल या फिर साइबर क्राइम नंबर में कॉल करके। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो का जो भी इंफॉर्मेशन था आपको अच्छा लगा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है इस वीडियो संबंधित तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।